अगर आपका अकाउंट भी HDFC बैंक में है और आपको ATM रिसीव हो चुका है, उसका पिन जो है वो जनरेट करना चाहते हो या पिन सेट करना चाहते हो, तो कैसे क्या करना होगा सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले HDFC बैंक की जो एप्लीकेशन है ना, उसको आप लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपली मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपना फिंगरप्रिंट लगा करके। HDFC बैंक का डेबिट कार्ड, प्लेटिनम डेबिट कार्ड मेरे को यहाँ पर रिसीव हो चुका है। ये मेरा अकाउंट बैलेंस यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर आपको सिंपली 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने पे वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कार्ड्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ कार्ड वाले ऑप्शन पे जब जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपका अपना डेबिट कार्ड। इस डेबिट कार्ड वाले बटन पर आपको टैप कर देना है। डेबिट कार्ड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, शो मोर का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर सेट पिन वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर आप अपना 4 डिजिट का पिन बना लो, जो पिन आप रखना चाहते हो उस पिन को यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। फटाफट से मैं बना लेता हूँ, पिन मैंने डाल दिया यहाँ पर। और पिन डालने के बाद आई एक्सेप्ट वाले बटन पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर कंफर्म वाले बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। अब आपके नंबर पे एक OTP आपको रिसीव होएगा, वो OTP यहाँ पर आपको फिल कर देना है। OTP मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, कंटिन्यू वाले बटन पर टैप कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भैया आपका जो कार्ड है ना, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो एक्सपायरी डेट मुझे पता है मेरे कार्ड की एक्सपायरी डेट क्या है, तो मैं एक्सपायरी डेट यहाँ पर डाल देता हूँ और ये मैंने एक्सपायरी डेट डाल दिया। अब यहाँ पे बात आती है CVV डालने की, तो CVV मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। CVV मेरा क्या है मुझे अच्छी तरीके से ऑलरेडी पता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना CVV डाल दिया और कार्ड की एक्सपायरी डेट डाल दी, कंटिन्यू वाले बटन पर टैप कर दिया। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं आपका जो डेबिट कार्ड का जो पिन है वो सक्सेसफुली सेट हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पर आप योर ओल्ड पिन हैज़ बिन डीएक्टिवेट विथ इमीजिएट इफेक्ट एंड यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक किया। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सेट पिन मेरा ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पर वापस से करना चाहो तो वापस से कर सकते हो, मेरा जो पिन है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। इस तरीके से आप अपना जो है HDFC बैंक का, आपके पास डेबिट कार्ड है तो उसका पिन जो है वो रीसेट कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।